अपने स्वास्थ्य से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। गाय प्रणाम करने के लिए क्या करते हैं, इसी अवस्था में रहते हैं, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा ही रखते हैं, श्वासों को बाहर निकाल देते हैं और श्वासों को बाह्य कुंभक लगाते हैं। बाह्य कुंभक बोलते हैं श्वासों को बाहर रोकने, तो बाहर अगर श्वास को रोक दिए तो बाह्य कुंभक फैला गया। अब क्या करना है, श्वासों को रोक करके पेट को अंदर खींचेंगे और अपान वायु बोलते हैं मल द्वार से ऊपर खींच करके रखना। जो वायु हमारा काम करता है, मल द्वार का जो कार्य करता है यहाँ पर इस क्षेत्र का, तो उसको बोलते हैं अपान वायु काम करती है हमारा, तो उस चीज को ऊपर खींच लेना। तो आपका नाभि से ऊपर खींच जाएगा और यहाँ गले के पास से श्वास को आपने रोक दिया, जिसको जालंधर बंद बोलते हैं। तो आपको जालंधर बंद लग गया, उड्डयन यान बंद लग गया यहाँ से, और अपान वायु को ऊपर खींचा तो मूल बंद लग गया। ये तीन बंदों के साथ बाह्य प्राणायाम किया हुआ बहुत लाभकारी होता है और मल और मूत्र से जुड़ी हुई हर समस्या का निदान ये है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम ऐसे करते हैं, देख लीजिए करके आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं। जब श्वास लेने की जरूरत हो तो जालंधर बंद को हटाते हैं और हवा को पूरा फेफड़े में भर लेते हैं और फिर वही पुनः वही क्रिया करते हैं, श्वासों को बाहर निकालते हैं। ये बाह्य प्राणायाम था। अग्निसार करने के लिए श्वासों को बाहर निकाल देते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं और ढीला छोड़ देते हैं। अभी करेंगे हम लोग उज्जायी प्राणायाम, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अद्भुत लाभकारी होगा थायराइड के लिए। थायराइड इसको छोटा से छोटा बनाएंगे। आप लोग ये ध्यान रखिए, गले को जितना सिकोड़ सकते हैं, जितना छोटा से छोटा आप बना सकते हैं, इसको छोटा से छोटा बना लेंगे। अगर नहीं छोटा सिकोड़ पाते हैं आप लोग, गुड्डी को यहाँ सका इस जगह पर, ये अपने आप ही छोटा हो जाए। फिर श्वासों को अंदर खींचेंगे, जो श्वास अंदर लेंगे खराटे की जैसा स्थिति होगी, उसका स्पर्श गले के रास्ते से, जो श्वास हम लेंगे उसका स्पर्श गले के रास्ते से होके फेफड़े में भर देंगे। अगर शुरू शुरू में कर रहे हैं तो अंतः कुंभक नहीं लगाएंगे, और जब आप अभ्यास कर लेते हैं इसका कई बार, तो आप इसको फेफड़े में श्वासों को खींच कर रोक लें। जितना देर हो सके उस फेफड़े में श्वासों को रोकने को ही अंतः कुंभक बोला जाता है। जब श्वास बाहर निकालनी हो तो दाहिनी नासिका को दबाएंगे और बाईं नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ देंगे। तो अभी आप लोग को मैं करके दिखा रहा हूँ कि उज्जायी प्राणायाम कैसे करते हैं। दाहिनी नासिका को दबाए और बाएं नासिका से श्वासों को छोड़ दिए। यही है आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको सही तरीके से करिएगा जरूर। खराटे के जैसा होगा और उसका आसपास गले के रास्ते होना चाहिए, नासिका से नहीं, ऐसे करें।
श्वासों को दाहिनी नासिका से ही छोड़ना है, इसका ध्यान रखेंगे आप। ऐसा जब आप करते हैं, जब ऊंचाई प्राणायाम, तो आपके गले के अंदर जो श्वास नली है हमारा, उसमें काफ़ी वाइब्रेशन होता है ऐसा करने से। इसलिए हमारी थायराइड की ग्रंथि कहाँ होती है, इस जगह होती है, तो ये एक्टिव हो जाता है, इसका जो संचालन है वो सही तरीके से हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि थायराइड में ये बहुत ज़्यादा अद्भुत लाभकारी है, और गले से जुड़ी हुई समस्त रोगों के लिए ये लाभकारी है। प्राणायाम टॉन्सिल है, टॉन्सिलाइटिस है, उन सभी चीज़ों के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है।